हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी गाड़ी में वाइपर काम नहीं करता है या आपकी हेडलाइट का डीपर काम नहीं कर रहा है या फिर जब भी आप अपनी गाड़ी का इंडिकेटर टर्न ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ नहीं होता है, तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम के दो मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है फ्यूज का उड़ जाना। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी कमी आई है तो सबसे पहले आपको फ्यूज ही चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको फ्यूज चेक करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेना। और अगर आपने फ्यूज को चेक कर लिया है और फ्यूज बिल्कुल सही कंडीशन में है लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन स्विच ही चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन स्विच को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अगर रिपेयर करेंगे भी तो वो कुछ दिन में वैसे ही हो जाएगा खराब जैसे वो पहले था। तो अगर कॉम्बिनेशन स्विच से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम सीधा सीधा रिप्लेस ही करते हैं, तभी उसका प्रॉपर सोल्यूशन हो पाता है। तो दोस्तों ये है वो कॉम्बिनेशन स्विच जो कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। और मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन स्विच दो तरीके के आते हैं। एक आता है 1100 रुपए का जो कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन स्विच होता है, और ये जो मेरे हाथ में आप कॉम्बिनेशन स्विच देख रहे हो ये ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ओरिजिनल से कम भी नहीं है, जो कि मुझे 800 रुपए में मिला है। दोस्तों मैंने ये इसलिए ख़रीदा है 800 रुपए वाला क्योंकि मेरा बजट अभी कम है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको अगर कभी भी अपना कॉम्बिनेशन स्विच चेंज करना है गाड़ी का तो ओरिजिनल वाला ही कॉम्बिनेशन स्विच लगाएं। अगर मेरी तरह आपका भी बजट कम है तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन स्विच खरीद सकते हैं। और मैं अपना कॉम्बिनेशन स्विच इसलिए चेंज कर रहा हूँ, हेडलाइट का डीपर काम नहीं करता है दोस्तों, इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हॉर्न पैड खोलना पड़ेगा स्टेयरिंग का। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर इसके पीछे तीन स्क्रू दिए गए होते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों स्क्रू को एक एक करके आपको खोल लेना है, जैसे मैं यहाँ पर खोलकर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो स्क्रू तो मेरे खुल चुके हैं, अब मैं स्टीयरिंग को थोड़ा उधर घुमाकर और तीसरे वाले स्क्रू को भी खोल लेता हूँ। और तीनों स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पर ऊपर आना है और ये जो हमारा स्टीयरिंग पे हॉर्न पैड लगा होता है इसको सिंपली ऐसे पकड़कर उठा लेना है। और दोस्तों यहाँ पर इसका हॉर्न का एक वायर लगा होता है, इसको सिंपली पुल करना है और यहाँ से इस हॉर्न पैड को हटा देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा स्टीयरिंग का ये बोल्ट है उसे हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास टूल किट कुछ इस तरह की है, आपके पास कोई भी 19 नंबर का टूल होगा कोई जो स्टीयरिंग में लग सके तो आप उस टूल की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला टूल है तो मैं इसमें एक्सटेंशन रॉड लगाकर और इस ये 19 नंबर की गोटी से इसको खोलूंगा। तो सिंपली मैं इसमें इसको अटैच कर लेता हूँ रॉड में और अब इस रॉड को मैं इस वाले टूल में अटैच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा टूल तैयार हो गया है इस नट को खोलने के लिए। आपके पास कोई भी इस टाइप का टूल होगा 19 नंबर का तो आप उससे भी इसको खोल सकते हो। तो दोस्तों ये नट तो हमारा खुल गया है, इसके बाद इस वार्सल को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है इसको हमें हिट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और हमारा स्टीयरिंग व्हील इजीली बाहर निकल के आ जाएगा, देख सकते हो। इसके बाद हमें इस कवर को खोलना है जिसके अंदर तीन स्क्रू लगे होते हैं, तो एक एक करके इन तीनों स्क्रू को निकाल लेना है और इसके बाद इस कवर को कुछ इस तरीके से पकड़ के यहाँ से इसको खोल लेना है। तो दोस्तों हमारा ये कवर भी खुल चुका है और इसके बाद कॉम्बिनेशन स्विच में भी तीन स्क्रू लगे होते हैं जिनको हमें एक एक करके खोल लेना है। तीनों स्क्रू खोलने के बाद कॉम्बिनेशन स्विच लूज हो जाएगा और दोस्तों फिर हमें इसको पूरा बाहर निकालने के लिए इसमें तीन कपलर होते हैं जिसको हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन स्विच पूरी तरह से बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे कपलर को भी निकाल लेता हूँ, तो दो कपलर तो हमारे कॉम्बिनेशन स्विच के निकल चुके हैं और यहाँ पर ये तीसरे वाला कपलर भी आप देख सकते हो ये लगा हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो हमारे तीनों कपलर निकलने के बाद कॉम्बिनेशन स्विच बिल्कुल अलग हो जाता है हमारा यहाँ से। फिर उसके बाद जो नया वाला कॉम्बिनेशन स्विच है उसको लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले एक कपलर को लगा देंगे जो नीचे लगा होता है, उसके बाद जो ये दूसरे वाला कपलर है उसको भी यहीं पर लगा देंगे
ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और इसको फिर रॉड के अंदर डालना है कॉम्बिनेशन स्विच को, और जो इसका तीसरे वाला कपलर होता है इसको यहाँ पर लगा देना है रॉड में डालने के बाद। और फिर इसके जो तीनों स्क्रू होते हैं कॉम्बिनेशन स्विच के, उनको एक एक करके टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन स्विच तो लग चुका है, और दोस्तों इसके बाद जो इसका कवर होता है उसको लगाना है। तो सबसे पहले नीचे वाले कवर को उठाकर रखेंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो इसके ऊपर वाला कवर होता है उसको रखना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको सेट करके, और इसके जो लॉक्स होते हैं वो आपस में इसमें लॉक हो जाएंगे। लॉक करने के बाद इसके जो तीनों स्क्रू होते हैं उनको एक एक करके यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये हमारा कवर यहाँ पर लग जाएगा। और दोस्तों अब जो हमारा बाकी का काम रह गया है वो रह गया है सिर्फ स्टीयरिंग व्हील को लगाने का। तो दोस्तों स्टीयरिंग व्हील को लगाने में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन स्विच में आप प्लास्टिक का ये रिंग देख रहे हो जिसके अंदर एक स्प्रिंग के साथ ये अटैच होती है, तो दोस्तों इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसी रिंग की वजह से जो हमारा इंडिकेटर होता है वो ऑटो टर्न ऑफ इसी की मदद से होता है। अगर ये सही से नहीं लगेगा तो हमारा जो इंडिकेटर का लीवर होता है वो अपनी जगह से ऑटो टर्न ऑफ नहीं होगा, उसको आपको मैनुअल ही ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको सही से लगाने के लिए यहाँ पर जो हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है इसके पीछे देख सकते हो दो छोटे छोटे होल बने होते हैं, इन्हीं होल को उस रिंग में जाकर फिट करना पड़ेगा, तभी वो रिंग प्रॉपर वर्क करेगी इंडिकेटर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो तो नहीं दिखा पाऊँगा कि कैसे लगाना है, बस उसकी पोजीशन को जहाँ पर भी आप रखोगे बिल्कुल सीधा, ऐसे ही आपको यहाँ पर स्टीयरिंग को बस धीरे धीरे रॉड के अंदर डालना है, तो वो जो कॉम्बिनेशन स्विच की जो रिंग है वो उसमें फिट हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील को रॉड में डालने के बाद अभी इसके नट को नहीं लगाना है, उससे पहले गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना है आपको ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो इंडिकेटर है उसको टर्न ऑन कर देना है किसी भी साइड, और जिस साइड भी आप टर्न ऑन करोगे उसी साइड आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग को घुमाना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे स्टीयरिंग को घुमाया और वापस से इसको लाया हूँ, तो ये देख सकते हो ऑटो टर्न ऑफ हमारा इंडिकेटर हो गया है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना स्टीयरिंग व्हील रिंग में अच्छे से फिट हो गया है। उसके बाद गाड़ी को बंद कर देना है, और स्टीयरिंग व्हील को टाइट करने के लिए पहले इसकी वार्सल को लगाना है, और फिर इसका नट लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हॉर्न पैड का जो वायर है उसको कनेक्ट कर देना है, और हॉर्न पैड को रख कर उसके जो पीछे तीन स्क्रू होते हैं उनको अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने हॉर्न पैड को अच्छे से फिट कर लिया है। और दोस्तों अब मैं आपको इस कॉम्बिनेशन स्विच को टेस्ट करके दिखा देता हूँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वाइपर वाले लीवर को टेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वाइपर वाले लीवर को ऑन किया है तो यहाँ पर हमारे वाइपर अच्छे से काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब चेक कर लेते हैं हमारी डीपर काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैं डीपर मार रहा हूँ तो आप सामने जो शटर आपको दिखाई दे रहा है दुकान का उस पे हल्की सी आपको लाइट शो कर रही होगी। पहले दोस्तों मेरी गाड़ी में ये डीपर काम नहीं कर रहा था, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आती थी रात में ड्राइव करते हुए, क्योंकि सामने वाला जब मुझे डीपर देता था तो मुझे अपनी लाइट बिल्कुल ऑफ करनी पड़ती थी। तो अब ये कॉम्बिनेशन स्विच लगाने के बाद मेरा डीपर अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपने कभी कॉम्बिनेशन स्विच खरीद के रिप्लेस कराया है तो आपने कौन से वाला कॉम्बिनेशन स्विच खरीदा था, ओरिजिनल वाला या लोकल वाला, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने का पड़ा था कॉम्बिनेशन स्विच। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का कॉम्बिनेशन स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।